महाराष्ट्र के पालघर में दो साधु संतों और उनके एक ड्राइवर की मार मार के मॉब लिंचिंग कह सकते हैं हत्या कर दी गई है। और ये घटना पुलिस के सामने हुई है और जिस तरीके से शुरुआत होती है ऐसा लगता है कि पुलिस लेके आई है अंदर से की लाएं और जनता के सामने जनता के हवाले कर दें और पीटो मार डालें। वीडियो जिसने भी देखी होगी उसको ये समझ में आया होगा कि कैसे वो लोग पुलिस के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं साधु संत लोग, लेकिन फिर भी पुलिस ने पीछा छुड़ा लिया और मारने दिया। पुलिस का एक फायर चाहे किसी के पैर में चाहे हवा में पूरी क्राउड को पीछे कर सकता था, वो लोग बच जाते। तो पहली बात, उन पुलिस वालों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? और सवाल तो ये भी उठना चाहिए कि लॉकडाउन में जब सारा भारत बंद था, किसी एक को भी पब्लिक प्लेस पे आना अलाउड नहीं था, तो इतना बड़ा क्राउड वहां पे कर क्या रहा था? और जब पुलिस ने क्राउड को देखा तो लॉकडाउन का ही फॉलो करते अगर नियम, तो उनको सबसे पहले अंदर कराना था मारपीट के, चाहे लाठीचार्ज कर चाहे जैसे भी, बजाय इसके कि रूल्स का पालन करो आपने ला के उन दोनों साधुओं को मौत के मुंह में झोंक दिया। दूसरी चीज जानकारी के लिए बता दूं कि 110 लोगों को अरेस्ट किया गया है, FIR हुई है, जिसमें से 9 लोगों को जुवेनाइल कस्टडी भेजा गया है क्योंकि माइनर थे, और 101 लोगों को 30 तारीख तक के लिए जेल भेजा गया है, जो भी बाकी जाँच होगी। मुद्दा यह है कि यहाँ रिस्पॉन्सिबल कौन है गवर्नमेंट वाइज, ये हरकत किसकी वजह से हुई? अगर पालगढ़ की कोई हिस्ट्री उठा के देखेगा कि पालघर में ऐसे मुद्दे होते रहे हैं, वहाँ पे एक सबसे कॉमन मुद्दा है जो इसकी वजह बनता है, एक नहीं दो तीन है वैसे तो। एक मुद्दा यह है कि वहाँ पे लगातार क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिव रही हैं हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने में, और फिर जब वापस हिंदुओं को कुछ लोग मिलके हिंदू बना लेते हैं कुछ साधु संत, तो ये चीज़ किस्सा चलता रहता है। तो उस जनता को, उस जाहिल जनता को जिसने ये काम किया है, उस पूरे पालघर की जाहिल जनता को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लोग इतने बड़े जाहिल हैं, कुछ पैसों के लिए फिर से क्रिश्चियन बन जाते हैं और फिर से वापस हिंदू धर्म में आ जाते हैं कुछ पैसों के लिए। और वहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे लोगों ने उनको पढ़ने ही नहीं दिया, कुछ होने ही नहीं दिया, ताकि दबी कुचली जनता हमेशा जाहिलों की तरह एक मानसिकता को सपोर्ट करे, जो आए बेवकूफ़ बनाए वोट ले जाए, होप दिखाए वोट ले जाए, और ये लोग हमेशा जाहिल के जाहिल दबे कुचले और गरीब ही रह जाए। वही नतीजा था, आज जाहिलियत में दो साधु संतों को मार दिया। क्यों मारा? वहाँ पर कौन कौन एक्टिव है पहले ये बता दो। मुसलमान जैबिंग जैमिंग वाले, क्रिश्चियन मिशनरीज, CPIM, इन लोगों की हरकतों का ही एक कॉकटेल है, मिली जुली भगत है ये घटना हुई। पहली बार जैबिंग जैमिंग वाले मुसलमान और मार्क्सिस्ट जो भी हैं CPIM, ये उकसाते हैं कि ये जगह पूरी पालघर तुम्हारा, ये सब बाहरी हैं, बाकी सारे जो हिंदू हैं वो बाहरी हैं, मुसलमानों को ऐसे ही भगवे से ऐसे दिक्कत होती है जैसे वैम्पायर को सूरज की रोशनी से। और क्रिश्चियन मिशनरीज वैसे भी यही समझाते हैं कि वैसे भी क्या यही समझाते हैं उनको कि हिंदू भगवान कुछ नहीं होते, सब फेक था, ये भगवा गलत है, साधु संत को देखो तो मारो पीटो और मंदिर जाना छोड़ दो, ये सब गलत है, जो है क्रिश्चियन का जो भी उनका रिलीजन का है ये समझाते हैं। तो उनके अंदर इतना भरा पड़ा है कि जब भी कोई फेक माहौल आराम से क्रिएट करेगा कि इन दो लोगों ने, भगवाधारियों ने कुछ गलत किया है, जैसे कि इस बार माहौल बनाया गया कि उन्होंने बच्चा चोरी किया, तो ये माहौल बनाया गया, उनको पकड़ा गया और मॉब लिंचिंग हो गई। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी रोकने की, जैसे मैंने बताया कि कैसे रोक सकते थे, नहीं रोका, पिटने दिया, होने दिया। दूसरी चीज़ ये कि सरकार जिसको जो भगवाधारी सो कॉल्ड वो हमेशा पहने रहते हैं, बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं ऐसा कहा जाता है, और मैं इसलिए डाउट कर रहा हूँ क्योंकि उनके महाराष्ट्र में ऐसा अगर हो गया तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारी आइडियोलॉजी की सरकार अब और नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और महाराष्ट्र की जनता को भी समझना चाहिए कैसी ये जो खिचड़ी की सरकार है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भीख मांग मांग के 10 जगह मुंह मार के अपनी सरकार बनाई है और भाजपा का हाथ छोड़ दिया, जबकि वोट उसी नाम पे लिया था, मोदी जी के चेहरे पे लिया था, भाजपा के चेहरे पे लिया था। तो उद्धव ठाकरे ने अपनी आइडियोलॉजी भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, पुलिस ने अपनी ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया, और जनता तो जाहिर हो गई, और CPIM जैबिंग जैबिंग वाले मुसलमान और क्रिश्चियन मिशनरीज के बेवकूफ़ियत में आके फंस के हमला कर दिया। तो मैंने टोटल चीज़ें बता दी कि हो कैसे रहा है, मैंने किसी एक ग्रुप को जिम्मेदारी ठहराई कि हर बार मुसलमान ही गलत होता है, हर बार इस बार ये 4-5 लोग जो ये जो संगठन जो मैंने बताया, ये सारे अपने वहाँ पे पावर को कैप्चर करने के लिए कि हमारी सत्ता वहाँ पे आ जाए, इन जाहिलों को जाहिल रहने दो, इन जाहिलों को ऐसे बेवकूफ बनाओ और ऐसे वहाँ पे पावर अपने स्थापित रखो कि हम जो बोलेंगे ये करते रहेंगे, हम जिस तरीके से पैसा देके बेवकूफ बनाएंगे बनते रहेंगे। तो ये गलती किसी एक की नहीं है, वहाँ की सिर्फ जनता की रही है, वहाँ ये सारे जो कई लोगों को मैंने जो रिस्पॉन्सिबल ठहराया है उन सबकी है, सरकार की भी है, वहाँ के जाहिल लोगों की भी है, इन 4-5 संगठनों की भी है, और पिस गया हिंदू। मैं ये सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, क्योंकि सेंटर में तो आप बैठे हैं,
अगर उद्धव ठाकरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो थोड़ी सी आपकी भी बनती है, इनडायरेक्टली आप भी हैं। तो आपको देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में भारत के मूल निवासी जो हजारों साल से रहते आए हैं, वहाँ अगर कोई नई सोच पैदा होने लग जाएगी तो क्या हिंदू ख़त्म करने लग जाएगी? मेरा सवाल है, इसका जवाब मुझे चाहिए। कोई बाहर का संप्रदाय आता है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे इस्लाम हो, ये भारत में पैदा नहीं हुआ था, ये बाहर से आया था, हमने पनाह दी थी, तो ये बाहर से आएगा और हमारे संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए अगर खतरा बनेगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कैसे कोई मुसलमान मरता है किसी भी तरह की एक्टिविटी में, जस्टिफाइबल नहीं, लेकिन मीडिया प्रोएक्टिव हो जाती है और इस चीज़ को उठाने में 3 दिन लग गए। खैर, सबका योगदान है कि सबने वायरल किया तभी उठा, वरना शायद उठता नहीं, दब जाता। दूसरी चीज़, तबरेज़ वाली चीज़ यूएन तक चली गई थी, और ऐसे ही कई मुद्दे ऐसे जब मुसलमानों के होते हैं तो इतना सारा समाज, सारे एक्टिविस्ट प्रोएक्टिव हो जाते हैं और सारे प्लेकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये लोग किस टीवी स्क्रीन पे मुंह दिखाएंगे और कौन से सोशल मीडिया से अपना पोस्ट करेंगे प्लेकार्ड लेके। अब मैं देखना चाहता हूँ नसीरुद्दीन शाह कब खड़े होंगे कि हमारा समाज खतरे में, भारत खतरे में, या फिर यहाँ पे अपनी हिपोक्रेसी दिखाने का उनको फिर मौका मिल गया। खैर, सब जनता के हाथ में, जल्दी न्याय तभी मिलेगा जब जनता प्रेशर बनाएगी। प्रेशर बनाइए। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ये मैसेज जितनी दूर तक पहुँच सके पहुँचे, उन चारों संगठनों को पता रहना चाहिए कि पालगढ़ में वो लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी पूरे भारत को है। और बाकी डिटेल वीडियो के लिए जो मैंने बोला उसकी बिल्कुल प्रूफ के साथ, हर एक वीडियो के लिए एक मैं आपको वीडियो की लिंक दूंगा। यूट्यूब पे अक्सर हम लोग को एक करना चाहिए कि दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, जिसके कंटेंट में जो ज़्यादा है डिटेल उसका आपको शेयर करना चाहिए। तो मैं ऐसा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा हूँ कि आप इनका जो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनकी वीडियो देखना, पूरी डिटेल्ड वीडियो है, पूरे पालगढ़ की हिस्ट्री है कि कैसे क्या क्या है वहाँ पे, कौन किसने किसने पैर जमाया है, किसकी वजह से हुआ है, आप वो देखिएगा। इसी मुद्दे पे कल रात ही किसी ने नहीं देखी होगी तो। तब तक लेते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।